Hi guys, this is Monica and you're watching me on FemiBeat. Well, दोस्तों एकता कपूर ने किया जैस्मिन को फॉलो. जी हाँ, सबको पता है कि नागिन में जैस्मिन थी जो एकता कपूर का ही शो था, लेकिन एकता कपूर अब तक जैस्मिन को फॉलो नहीं करती थी. वेल नॉट जस्ट जैस्मिन, एकता कपूर जैस्मिन के अलावा फॉलो कर रही है अली कोनी को भी. हाल ही में ये सब एक पार्टी में थे और उसके बाद जो है इनकी बॉन्डिंग बेहद अच्छी हो गई और उसके बाद से एक दूसरे को हर कोई फॉलो कर रहा है. इनफैक्ट उस पार्टी में एकता कपूर भी थी और उन्होंने किया जैस्मिन को फॉलो. सो वेल, ये चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसा ही हुआ था सिडनास के साथ पिछले बिग बॉस में, जहाँ पर हमने देखा था कि जब सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस में हाइप के बाद बाहर आए थे तो उसके बाद जो है इनकी पॉपुलैरिटी देख के एकता कपूर ने इनफैक्ट पूछा भी था कि ब्रोकन विद ब्यूटीफुल सीजन 3 में आप किसको देखना चाहते हैं, तो सबने कहा था सिडनास. लेकिन अनफॉर्चुनेटली शहनाज तो ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल 3 का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन सिद्धार्थ बन गए. तो क्या आप ऐसा ही कोई ऑल्ट बालाजी का या फिर कोई वेब शो जो है वो एकता कपूर के नज़र में है जैस्मिन और अली के लिए? वेल, हो भी सकता है कि एकता इनकी पॉपुलैरिटी के साथ इनको कोई प्रोजेक्ट दे भी दे, जब ये लोग टोनी कक्कर के साथ गाना कर सकते हैं, सो एकता कपूर के किसी वेब सीरीज में क्यों नहीं. तो जल्दी से मुझे बताइए आपको क्या लगता है, एकता कपूर ने फॉलो किया है तो क्या वो देंगी कोई बड़ा प्रोजेक्ट? लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक इन द बिलो कमेंट बॉक्स सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल.